दिवाली आने वाली है और बाजारों में रौनक छा गई है। बाजार में लाइट, ग्रीन पटाखों, कपड़ों, मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। दीपोत्सव के लिए कुम्हार भी जी जान से दिए और मिट्टी के खिलौने बनाने में जुट चुके हैं। धनबाद के मनाईटांग कुम्हार पट्टी में इन दिनों दिए बनाने का तेजी से काम चल रहा है। कुम्हारों का पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। इसमें परिवार के सभी सदस्य, महिला, बच्चे, पुरुष, मट्टी भी मूल लेना पड़ता है और पोसाई पड़ता नहीं, इसे खाते जीते हैं यार का। सरकार तरफ से कोई सुविधा उन लोग को नहीं मिलता है। 6 महीने से कर रहे हैं, एक बाद में फिर मुन अपना दुकान लगाएंगे, ये बेचेंगे और फिर पोसा नहीं पड़ता है, तो क्या करते हैं। नहीं काम को हम है तो मुन हम लोग इसी काम से खा के जी कर रह रहे हैं। इस साल मौसम खराब होने के कारण दिया खिलौना या तो कम ही बन पाए हैं या तो अभी तक उनको बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग हर बार दिवाली के त्योहार पे ये देखिए खिलौना रांगते हैं और फिर इसे मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो बहुत मेहनत से करते हैं, इसमें डुबाते हैं, खिलौना सब फूट भी जाता, इसलिए हम लोग इसे कम से कम 1000 अगर पुराना रहता तो इसको हम लोग 1100 पारते। तो ये देखिए हम लोग खिलौना आज हुआ, फिर कल होगा और ये फिर मार्केट में बिकेगा और इसको फिर घर में सब ले जाकर पूजा करेंगे मूर्ति सबको, और फिर इसे भाई के लिए किया जाता है ये सब। और आप लोग भी जरूर कीजिएगा, अगर ये चैलेंज पसंद आया ये सब वीडियो करते हैं। और फिर स्कूल का टाइम छोड़ के हम लोग घर पे ही काम करते हैं और हम लोग कभी पढ़ाई एग्जाम भी चल रहा था जो छोड़ के हम लोग करते हैं। इतना मेहनत लगती है और मेहनत बहुत लगती है। हम लोग अभी स्कूल है फिर भी हम लोग स्कूल छोड़ कर हम लोग घर में काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ में करते हैं। उसके बाद घर के माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं। सुबह से बहुत मेहनत होती है परंतु हम लोग इसमें कुछ भी लाभ नहीं होता। तो कृपया आप लोग मिट्टी का दाम और सस्ता कर दें। और कोयला भी हम लोग का भट्टा होता है, मतलब उसमें काम नहीं, जल्दी महंगा हो गया, इसके वजह से हम लोग का भट्टा नहीं लग पाता। तो कृपया सरकार से यही निवेदन है कि कोयला कृपया हम लोग को लेने दे। सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोयला, लकड़ी एवं मिट्टी सस्ता करे और हम लोग को लेने और आसानी होता है। और हम लोग देख रहे हो कि हम लोग कितना भी धूप में, कड़ी धूप में खिलौना पेंट कर रहे हैं, फिर इन्हें पैक करना और एक कलर होगा, इसके बाद फिर हम लोग बेचेंगे दुकान में जाकर। दीपावली और छठ पूजा व अन्य धार्मिक कृत्यों पर मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ने लगी है। बर्तन बनाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। इस समय मिट्टी के बर्तनों का धंधा चल पड़ा है और दाम भी अच्छा मिलने लगा है। बता दें कि पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने के बाद पूरी तरह से व्यवसाय चरमरा गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के पास लॉकडाउन में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ठप हो चुका था, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें उम्मीद है कि अब काम पटरी पर वापस लौट रहा है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।